गुड मॉर्निंग गाइस, देखिए मैं आपको क्लास नाइन्थ का मैथ का चैप्टर है 8.1 इसके एक्सरसाइज है और क्वाड्रिलेटर है। और इससे पहले हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में क्वाड्रिलेटर के काइंड्स जो हमने आपको बता दिए। तो इधर हमारी एक थ्योरम है और क्वेश्चन भी है ये, इफ द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो इट इज ए रेक्टेंगल, ये हमको प्रूव करना। तो गिवन में हमें क्या दिया गया है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ एक फिगर बनाया और फिगर का नाम दे दिया एबीसीडी और ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो एबीसीडी में हमें यहाँ एक गिवन है कि पैरेललोग्राम के डायगनल जो है वो बराबर है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि डायगनल हमारे ये रहे एसी इज इक्वल टू बीडी, ये हमारे गिवन में है। तो ये अपने गिवन वाली बात है लिख दी हमने। फिर हम पैरेललोग्राम के बारे में क्या जानते हैं प्रॉपर्टी की, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और लेंथ ऑफ डायगनल इज नॉट इक्वल और ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, ये होती हैं प्रॉपर्टीज इसकी। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ राइट डाउन कर दी। प्रूफ क्या करना है, एबीसीडी ये रेक्टेंगल, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। तो हमने यहाँ सॉल्व डाल लिया और एक ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल एबीसी, दो ट्राइंगल हमने लिए, दोनों ट्राइंगल का अलग अलग हमने फिगर बना लिया, एबीसी लिया और बीसीडी ले लिया। तो दो ट्राइंगल जब हमने अलग अलग ले लिए तो एबी इज इक्वल टू सीडी, ये हमको गिवन है। देखिए एबी इज इक्वल टू सीडी, ये गिवन है। बीसी इज इक्वल टू बीसी, ये हमारा दोनों अलग ट्राइंगल बनाए इनमें ये कॉमन आ गए। एसी इज इक्वल टू बीडी, ये हमें डायगनल दिए गए थे, ये गिवन में। तो इतना हो गया इसके। तो हमारे यहाँ क्राइटेरिया कौन सी लगी, तो बाई ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस से ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंसी हो गया ट्राइंगल डीसीबी। इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज हमने कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी है। जब कॉन्ग्रुएंसी हो गए तो हमें मालूम है इसके हर पार्ट बराबर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि हमें कैसे पता करना है कि अब ट्राइंगल ये निकल रेक्टेंगल निकल गया है, हमें यहाँ पर दो जगह किसी 90 डिग्री कोण बनाना है एंगल। तो हमने यहाँ से लिया एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी, तो बाई सीबीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल। तो हमने यहाँ देखा कि एबी पैरेलल सीडी एंड बीसी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल एबीसी प्लस एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 180। तो जब ये 180 हो गए तो हमने ये देखा कि कोई भी ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो हमने ये फिगर बनाया है कि ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगलों का सम जो है 180 के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। तो एंगल एबीसी प्लस एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 180। तो एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी ये कैसे लिख गया, देखिए ऊपर आपके सामने ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है तो दोनों जगह हम एक जैसा लिख सकते हैं, तो दोनों जगह एक सा लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 180 आ गया। एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी दोनों ऐड हो गए तो 2 एंगल एबीसी हो गया, इज इक्वल टू 180। 2 यहां से हमने हटाया तो 2 आ गया, ये नीचे आ गए तो 2 का इसमें डिवाइड किया तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। तो एंगल एबीसी 90 आ गया तो डीसीबी भी 90 आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अन्य एंगल भी हमारे 90 आएंगे। तो हेंस प्रूफ में हमें ये करना था एबीसी भी ये रेक्टेंगल, ठीक है।